हेलो हाय एवरीवन, सभी को नमस्कार. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. ऊपर करना स्क्रॉल. स्टार्टिंग से हाय डियर प्रशांत, गुड मॉर्निंग. हाय श्रीराम. हाय डियर खुशी. अभी जल्दी से सभी लाइव आओ. हरी अप शेयर. हाय डियर प्रशांत, खुशी, श्रीराम. खुशी लड़का है भाई. आज क्लास होगा डियर. आई एम लाइव. गुड मॉर्निंग खुशी. हाँ भाई, कम ऑन. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सभी को नमस्कार. वेलकम टू मूवी शिक्षा. चलो भाई कम ऑन, अब अपना इंट्रो ये सब खत्म कर दो. हाय डियर, गुड मॉर्निंग विजय. सभी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए. हाँ, ये सब आप लोगों की पेस बहुत ही स्लो रहती है. प्रशांत जी डियर, बिल्कुल मैंने बॉटनी की क्लास नहीं ली बिकॉज आप लोगों की बहुत सारी मैराथन ऑलरेडी लगी हुई थी, तो इसलिए मेरी शेड्यूल नहीं हो पाई. ठीक है, तो मैंने डिस्कस किया था बॉटनी के लिए, लेकिन आप लोगों की सैटरडे में काफ़ी सारी मैराथन, आई थिंक 3 मैराथन लगी हुई थी ऑलरेडी. ठीक है, तो यूट्यूब पर मेरा इसलिए सेशन नहीं हो पाया, अदरवाइज आई हैड प्रिपेयर्ड एवरीथिंग. गुड मॉर्निंग शिल्पा ठाकुर, कम ऑन भाई. तो मैंने आप लोगों को जो भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं आज उसके क्वेश्चंस करते हैं. ठीक है, मेनली काफ़ी सारे क्वेश्चंस तो जो इसमें हैं वो आप लोगों के क्लासिफिकेशन के रहेंगे. दो चार क्वेश्चंस और ऐड किए हैं. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट आर क्वेश्चन राउंड. आप लोगों का इस वीक में कंप्लीट आप लोगों की क्वेश्चन प्रैक्टिस सारी हो जाएगी. ठीक है, अराउंड 1000 क्वेश्चंस आप लोगों के मैं करा, मतलब 500 क्वेश्चंस मैं करा चुकी हूँ, और इस वीक में आप लोगों का ये 1000 क्वेश्चन सीरीज जो है वो कंप्लीट करा देंगे. ठीक है, टॉपिक वाइज मैंने आप लोगों को हर टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं. कब तक होगी, कब है प्रशांत डियर बताओ, ये मुझे बताओ, फिर मैं जल्दी स्केड्यूल करा लूँगी. मैम आप कहाँ से हैं? डियर आई एम फ्रॉम दिल्ली. हाय डियर श्वेता, गुड मॉर्निंग. ठीक है भाई, बताओ, कम ऑन, करें क्लास शुरू. चलो भाई, हमने पढ़ा, देखो, विच आर द लार्जेस्ट फिक्सेटर ऑफ सोलर एनर्जी, यानी जो सोलर एनर्जी जो है, सौर ऊर्जा है, उसको सबसे ज्यादा, सबसे बड़े फिक्सेटर कौन से जीव, विच ऑर्गेनिज्म आर लार्जेस्ट फिक्सेटर ऑफ सोलर एनर्जी. नमस्कार निशु भारती, गुड मॉर्निंग. हाँ भाई, जल्दी से थोड़ा क्विकली आंसर कीजिए. अच्छा, 2 दिसंबर को है, यानी टुडे इज 29 आई थिंक, है ना, आज 29 है ना, है. चलो मैं बात करती हूँ फिर कल के लिए. आप लोगों को मिल जाएगा जैसे ही, अगर मेरी क्लास शेड्यूल हो गई, मैराथन के लिए होगा अवेलेबल, तो मैं कल मैराथन ले लेती हूँ बॉटनी की. ठीक है डियर. डी प्रशांत सिंह, डी शिल्पा सिंह, डी निशु इज ऑल्सो सेइंग डी. जी डियर, मैंने लिखवाया था ये क्लासिफिकेशन पढ़ाते वक्त कि सबसे अधिक मात्रा में कौन फिक्स करते हैं, तो फिक्स करता है आपका कौन, आपके हरे रंग के पौधे. क्यों, उनके अंदर क्या उपस्थित होता है? मैम उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, पर्ण हरित लवक प्रेजेंट होता है, और जो क्या कर लेता है, सभी का करेक्ट आंसर है, जो क्या करता है, सौर ऊर्जा को एब्जॉर्ब करता है, उसका अवशोषण करता है. ठीक है डियर, तो करेक्ट आंसर इज नेक्स्ट क्वेश्चन. विच पार्ट बिकम्स मॉडिफाइड एज टक्स ऑफ एलिफेंट. बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हाथी के दांत के रूप में कौन सा भाग संशोधित हो जाता है. तो आप लोगों का टस्क ऑफ एलिफेंट आप लोगों को बाहर निकला दिखता है ऐसे ऐसे व्हाइट कलर का ना, तो वो कौन सा टीथ है? इंसिजर है, कैनाइन है, प्री मोलर है या मोलर है? कौन सा रदनक है, चवर्णक है, वर्णक है? तो ये कौन सा, इनमें से कौन सा दंत जो है वो हाथी का टस्क है, टस्क ऑफ एलिफेंट. श्रीराम इज सेइंग डी, एब्सोल्यूटली रॉन्ग आंसर. हाँ भाई बताओ, कैनाइन है, प्री मोलर है, सेकेंड इंसीजर है, कौन सा है? हाँ भाई पढ़ लो अब, ये फालतू की बातें एफ बी एंड ऑल, ये सारी उम्र इसी पे चैटिंग करते रह जाओगे वरना. ठीक है, शिल्पाई सिंह सी,
Prashant is saying B. Nishu is saying C. हाँ भाई, करेक्ट आंसर जिन्होंने भी सी उत्तर दिया, दे ऑल आर करेक्ट. जो सेकंड इंसिजर है, इंसिजर, ठीक है, जिसे आप लोग कुछ बच्चे प्रोनाउंस करेंगे इंसाइजर, तो एज योर विश. ठीक है भाई, ये क्या होता है, ये कृतंक, दूसरा कृतंक क्या होता है, हाथी का टस्क. बहुत बार पूछा गया है. अच्छा, पूछ लिया जाए अपर है या लोअर है, अपर है या लोअर है, यानी ऊपरी कृतंक है या निचले वाला जबड़े का कृतंक है, कौन सा? हरियप, मुझे ये बताओ कि कौन सा कृतंक है. ठीक है डियर, बताओ विच इंसाइजर, अपर जो इंसाइजर या लोअर जो इंसाइजर, कौन सा, ऊपरी जबड़े का या निचले जबड़े का, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. श्री राम इज सेइंग मैम हिंदी बोलो. बच्चे अभी मैं कौन सी भाषा बोल रही हूँ, हाँ भाई कौन सी भाषा बोल रही हूँ मैं, हर एक वर्ड तो मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में डिक्टेट किया है. स्टिल यू आर सेइंग क्लास कैन नॉट बी प्योरली हिंदी, वो हिंदी में नहीं हो सकती, क्लास आपकी इंग्लिश में चलेगी, हिंदी प्लस इंग्लिश. हाँ भाई बताओ, ऊपरी जबड़ा या निचले जबड़ा, जिसने भी आंसर किया शिल्पा एंड निशु, करेक्ट डियर, अपर जो, कौन सा जो, ऊपरी जबड़े का इंसाइजर, कौन सा जो, अपर जो, अपर जो के कौन से दांत, मैम इंसिजर्स, और इंसिजर का कौन सा नंबर, ये याद रखना, क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लेता है, दूसरे नंबर का, दूसरे नंबर का क्या है, कृतंक है, क्या है, कृतंक है, ये क्या है, कृतंक. ठीक है डियर, तो मैंने पढ़ाए थे चार तरह के दांत होते हैं, इंसिजर, कैनाइन, देन प्रीमोलर, देन मोलर. ऐसे आपके जबड़े जबड़े में दांत फिक्स होते हैं ना, तो उसका कौन सा दांत, इंसिजर, कौन से जबड़े का, ऊपर वाले जबड़े का, कौन सा नंबर का, दूसरे नंबर का, ऐसे. गुड मॉर्निंग बसंत, ठीक है डियर, तो ये पूछ लिया जाता है. हाँ भाई, द टस्क ऑफ एलिफेंट इज इनॉर्मसली लार्ज, जो टस्क होता है हाथी का, जो दांत होता है वो बहुत बड़ा होता है, कौन सा, अपर इंसिजर, अपर कैनाइन, लोअर कैनाइन, लोअर इंसिजर. अभी पढ़ा इंसिजर और अभी पढ़ाया ऊपरी कृतंक. ऊपरी कृतंक क्या है, ऊपरी कृतंक टस्क ऑफ एलिफेंट है. जी डियर निशु, ठीक है, समझे, देखो क्वेश्चन घुमा दिया केवल, उसमें क्या पूछा कि कौन सा है, इसमें पूछ लिया अपर है या लोअर है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए अपर, अपर इंसाइजर, अपर जॉ का इंसाइजर जो है कौन से नंबर का, सेकंड नंबर का, दूसरे नंबर का इंसाइजर जो है, जो ये कहलाता है टस्क ऑफ एलिफेंट. तो करेक्ट आंसर सभी ने सही उत्तर दिया है, आंसर इज ए. अगला क्वेश्चन, लिवर ऑयल ऑफ फिश इज रिच इन, मछली का जिगर तेल किस प्रचुर मात्रा में होता है, इसमें क्या होता है, विटामिन ए होता है, सी होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई, जल्दी से बताओ. हरिया, कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, किसके अंदर पूछ रहे, लिवर फिश ऑयल. हाँ भाई जल्दी बताओ, कौन सा विटामिन, हरिया, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, सारे ही बता दो. हाँ भाई सबसे अधिक मात्रा में बिल्कुल सही उत्तर दिया, विटामिन डी पाया जाता है. कौन सा विटामिन, विटामिन डी पाया जाता है. नो डाउट इसके अंदर दो विटामिन प्रचुर मात्रा में होते हैं, विटामिन ए एंड विटामिन, विटामिन बोलते हो आप लोग, और विटामिन डी. लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में हो तो आप लोग डी को प्रायोरिटी दीजिएगा, सबसे प्रचुर, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला विटामिन इस तेल के अंदर, इस ऑयल के अंदर कौन सा है, विटामिन डी. तो करेक्ट आंसर इज सी, यहां सही उत्तर कौन सा है, विटामिन डी. बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट बिकम मॉडिफाइड, वही क्वेश्चन घूम करके आ रहा है, इसमें पूछा कैनाइन है, प्रीमोलर है, मोलर है, या सेकंड इंसाइजर है. हाँ भाई, कौन सा कृतंक, दूसरा कृतंक, दूसरा कृतंक है. ठीक है, जस्ट ऑप्शंस को बदल रहा है, क्वेश्चन वही है, इसलिए कहती हूँ ध्यान से, बिल्कुल अटेंटिव रहो क्लास में, जस्ट बी अटेंटिव. ठीक है डियर, तो आंसर इज सेकंड इंसाइजर.
एक ही क्वेश्चन में अपने दिमाग को साइंस को करने का एक ही तरीका है, एक ही क्वेश्चन को इतना वास्ट सोचो कि कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। मैम एक क्वेश्चन में डाउट है, जीडीआर बिल्कुल पूछ सकते हो, ठीक है जी बसंत, करेक्ट। सेकंड इंसाइजर ब्लू ग्रीन एल्गा, ये मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि एल्गीज की जो है कैटेगरी होती है शैवाल, जो मैंने दो तरह के बैक्टीरिया आप लोगों को पढ़ाए थे ना, यू बैक्टीरिया भी पढ़ाया था, साइनो बैक्टीरिया भी पढ़ाया था। तो बताओ इसमें नील हरित शैवाल किस समूह में शामिल है? ब्लू ग्रीन एल्गी आर इंक्लूडेड इन विच ग्रुप? यू बैक्टीरिया में, साइनो बैक्टीरिया में, प्रोटोजोआ में या फंजाए में, फंगस? हाँ भाई कवक, बताओ किसमें आती है ये नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी कौन सी कैटेगरी में आती है? हाँ भाई अंकित सिंह, ए यू बैक्टीरिया। फिर सोच लो, आप सबने वो पीडीएफ डाउनलोड कर ली होगी आई होप, जो मैंने पिछले हफ्ते आप लोगों की एक मैराथन ली थी आई थिंक, या जो भी था मैंने आप लोगों को क्लासिफिकेशन पढ़ाया था। बिप्लव इस टॉपिक की थ्योरी मैं करा चुकी हूँ, थ्योरी कराने के बाद ही मैंने क्वेश्चन कराए हैं बच्चे। अगर आपने थ्योरी नहीं देखी है तो दो क्लास में क्लासिफिकेशन कराया है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म पार्ट वन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म पार्ट टू, जीवों का वर्गीकरण मैं पूरा थ्योरी पढ़ा चुकी हूँ तभी मैं ये क्वेश्चन करा रही हूँ, ठीक है। हाँ भाई बच्चे आंसर दे रहे हैं डी, श्रीराम ने आंसर दिया डी, प्रशांत ने आंसर दिया बी, एल्गा और फंगस क्या सेम बात है, कितने मूर्ख हो आप, आंसर इज बी। निशु हैव गिवन करेक्ट आंसर। मैम पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा? डियर मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में जाने की भी जरूरत नहीं है, मूवी शिक्षा ऐप आप लोग डाउनलोड करो यू ऐप स्टोर से, प्ले स्टोर से, ठीक है प्ले स्टोर से मूवी शिक्षा ऐप डाउनलोड करोगे वहाँ पर फ्री क्लास कंटेंट जो यूट्यूब की क्लासेस होती है उस ऑप्शन पर जाना एंड देन वहाँ जो भी आप लोगों को पीडीएफ चाहिए वो आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। YouTube के जितने भी सेशंस होते हैं उन सब की पीडीएफ वहां अपलोड होती है, ठीक है डियर। एंड टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ये डिस्क्रिप्शन में मूवी शिक्षा का टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहां भी शेयर किया जाता है, ठीक है डियर। हाँ भाई आपकी ऊपर चली गई है क्वेश्चन प्रशांत, आई थिंक मेरे को दिख नहीं रहा है, दोबारा से एक बार कमेंट करना, छोटी सी स्क्रीन पर मुझे आप लोगों के क्वेश्चन मतलब आपके पॉइंट्स दिखते हैं, तो अगर मैं ना देख पाऊँ तो आप लोग दोबारा कमेंट कर दिया करो, ठीक है। तो सभी को याद करना है नील हरित शैवाल किसका उदाहरण है, साइनो बैक्टीरिया का। इसकी थ्योरी अगर किसी को पढ़नी है तो मैंने पढ़ाया हुआ है इसलिए मैं इसकी थ्योरी डिस्कस नहीं करूंगी, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है उसमें। हाँ भाई विच ऑफ द फॉलोइंग एम्फीबियन लैक्स टंग, ऐसा कौन सा उभयचर है जिसमें जीभ नहीं होती? हाँ भाई ऐसा कौन सा उभयचर है जिसमें जीभ नहीं होती? ओके डियर खुशी, टेक केयर बच्चे। हाँ भाई बताओ कौन सा उभयचर है जिसमें जीभ नहीं होती, बताइए जरा। हाँ भाई बताओ कौन सा उभयचर है जिसमें जीभ नहीं होती? इट इज द ओनली, शुभम का आंसर आया है सी, बाकी बच्चे बताओ भाई। हाँ भाई अंकित सिंह डी, नहीं बचे, करेक्ट आंसर इज सी। देखो फिनोडोन तो एक रेप्टाइल है, क्या है सरीसृप, पहली बात तो ये तो ऑप्शन सरीसृप, ये तीनों जो हैं आप लोगों के एम्फी उभयचर, क्या है ये एम्फीबियन है और इसमें से किसके पास जीभ नहीं होती जो आप लोगों का ऑर्गेनिज्म है, कौन सा? ऑप्शन है सी, जिसे आप ये च प्रोनाउंस ना करके क प्रोनाउंस करते हो, इक्टियोफिस के पास जो है जीभ नहीं होती है, जीभ नहीं होती है, ठीक है डियर। ओके तो ये याद रखना है, ये पॉइंट ऐसे ऐसे पॉइंट जो आप लोगों को कंटेंट में ना मिलकर आप लोगों को क्वेश्चंस की फॉर्म में पता लगता है उनको अपने नोट्स में ऐड कर लेना। आज बहुत सारे पॉइंट्स इस टॉपिक के पढ़ाने का भी रीज़न यही था और आज इसके क्वेश्चंस कराने का भी रीज़न यही है कि कोई भी पॉइंट छूटे ना, सारा आप लोग कवर कर पाओ, ठीक है डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट, इनमें से सबसे बड़ा अकशेरुकी, ध्यान से पढ़ना, इनवर्टिब्रेट, दो तरह के जीव पढ़ाए थे मैंने, क
कशेरुकी और अकशेरुकी। मैम जल का शुद्धतम रूप, हाँ भाई देखो प्रशांत जी का क्वेश्चन है वेरी सिंपल, जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है जल्दी से बताओ हरि, अब ये तो सबको पता होगा। हाँ भाई प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर कौन सी है? हाँ भाई ओके, हाँ प्रशांत मैंने पढ़ लिया है, हाँ भाई बताओ वरना फिर मैं बताती हूँ, तब तक आप लोग ये क्वेश्चन लो भाई हरि अब। कि सबसे बड़ा इनवर्टिब्रेट, ध्यान से देखना, वर्टिब्रेट समझ के टिक मत कराना, आप लोगों से पूछा है, आप लोगों से क्या पूछा है कि सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन सा है? स्पॉन्ज है जिसे आप लोग क्या कहते हो, पोरीफेरा, मैंने पढ़ाए थे ना पोरीफेरा। इस कैटेगरी की क्या क्वालिटीज होती है, इसमें पोर्स होते, छिद्र होते, क्या ये सबसे बड़ा है, क्या मॉलस्क सबसे बड़े हैं जिनके बाहर हार्ड कवरिंग होती है, या कीड़े मकोड़ों में से कोई सबसे बड़ा है, या इकाइनोडर्म में से सबसे कोई बड़ा है? हरि अब भाई जल्दी से बताओ लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट कौन सा है, सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन सा है, जल्दी बताइए। हाँ भाई इंडियन आर्मी ने आंसर दिया है रेन वाटर, बिल्कुल करेक्ट आंसर बच्चे, जिसने भी आंसर दिया रेन वाटर, बिल्कुल दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। बसंत का आंसर आया है आर्थ्रोपोडा, अच्छा प्रशांत जी का आंसर आया है इकाइनोडर्मा, अब और भी दो ऑप्शन में दे दो और मैं ही कर लूंगी, करेक्ट आंसर इज मोलस्का, याद रखना मोलस्का सबसे बड़ा है, मोलस्का सबसे बड़ा इनवर्टिब्रेट है, और इसका भी कौन सा नाम भी बता देती हूँ, स्क्विड, याद रखना स्क्विड जो है वो सबसे बड़ा, स्क्विड जो है सबसे बड़ा क्या है, लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट, सबसे बड़ा अकशेरुकी, सबसे बड़ा अकशेरुकी है, और ये किस में, देखो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा इनवर्टिब्रेट कौन सा है, ठीक है सबसे छोटा कौन सा है, ठीक है ये भी पता होना चाहिए आप लोगों को, बाकी क्वेश्चंस में पढ़ोगे ये सारी कैटेगरी तो आप लोगों को पता होना चाहिए, याद रखना है मोलस्का सबसे बड़ा है। पूछ लिया जाए उस किंगडम का नाम बताओ या उस कैटेगरी का नाम बताओ जो सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में लार्जेस्ट फाइलम है, कौन सा फाइलम सबसे बड़ा है, हाँ भाई इनमें से कौन सा फाइलम सबसे बड़ा है, क्या आंसर दोगे, आर्थ्रोपोडा, क्यों दोगे, सबसे ज्यादा कौन है, कीड़े मकोड़े हैं, तो सबसे ज्यादा सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है, आंसर इज दिस। हाँ भाई इसके प्रशांत मैं इस टॉपिक को पढ़ाऊंगी, टेंशन मत लो, ठीक है। विच इज द ओनली मैमल दैट कैन फ्लाई, ऐसा कौन सा स्तनधारी है जो फ्लाई कर सकता है, जिसके पास फ्लाइंग कैपेसिटी है, हाँ भाई वेल बैट हेन लिजार्ड, इसमें से कई तो ऐसे हैं जो मैमल है ही नहीं, है ना, इनमें से कौन सा मैमल है वो एकमात्र ऐसा मैमल है जो फ्लाई कर सकता है, ऐसा कौन सा स्तनधारी है जो उड़ सकता है, जिसके पास फ्लाइंग कैपेसिटी होती है, जल्दी से बताओ हरि अब। बसंत सिंह बैट, बिल्कुल जी सर बिल्कुल सही उत्तर, बैट जो है ऐसा स्तनधारी है, सभी का सही उत्तर है जी डियर, इंद्रपाल बसंत निशु, ठीक है बैट कैन फ्लाई, बैट क्या कर सकता है, फ्लाई कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनेस्ट मैमल, देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सबसे आम स्तनधारी कौन सा है, सबसे आम स्तनधारी कौन सा है, सबसे आम एलिफेंट है, लायन है, मैन है या पैंथर है, हाँ भाई सबसे आम स्तनधारी जो कॉमनेस्ट है कौन है, सबको पता होगा मैन है, सिंपल सबसे कॉमन कौन है, मैन है, हम लोग है ना, सबसे कॉमन स्तनधारी कैटेगरी कौन सी है, मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो ब्लड बट रेस्पायर, इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जिसमें रक्त नहीं होता लेकिन श्वसन करता है, उसमें रक्त नहीं है लेकिन श्वसन करता है, यानी ब्लड नहीं है बट स्टिल इट रेस्पायर्स, श्वसन फिर भी होता है, हमारी बॉडी में तो मैम ब्लड है और ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है जो श्वसन करने में सहायता करता है, लेकिन एक ऐसा भी जीव है जिसमें रक्त होता ही नहीं है और वो फिर भी श्वसन करता है, फिश, अर्थवॉर्म, हाइड्रा, कॉकरोच, हाँ भाई बच्चे आंसर दे रहे हैं डी, बच्चे आंसर दे रहे हैं बी, अच्छा अर्थवॉर्म, हाँ भाई कोई और, सी, हाँ भाई बसंत ने और विजय ने करेक्ट आंसर दिया है, करेक्ट आंसर इज हाइड्रा,
हाइड्रा एक मात्र ऐसा जीव है जिसके शरीर में रक्त ब्लड नहीं होता, बट स्टिल इट रिस्पायर्स। ठीक है डियर, ये पॉइंट्स याद रखने हैं आप लोगों को। इसी तरह के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आएंगे, तो सही उत्तर है हाइड्रा। ठीक है डियर, क्या है हाइड्रा? एकमात्र ऐसा जीव है जिसके पास क्या नहीं होता, जिसके पास ब्लड नहीं। अब ये जब मैंने इंसेक्ट पढ़ाया ना, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि इंसेक्ट होते कैसे हैं, कैसे उनके पैर होते हैं, कैसा उनका शरीर होता है। तो जल्दी से मुझे ये बताओ कि इंसेक्ट इज एन ऑर्गेनिज्म, एक कीट ऐसा जीव है जिसमें 3 पेयर ऑफ लेग होते हैं, 4 पेयर ऑफ लेग होते हैं, उसका शरीर हेड, थोरेक्स या एब्डोमेन में डिवाइडेड होता है, या पेयर ऑफ विंग्स एंड एंटीना होता है। हरे आप जल्दी से बताओ। हाँ भाई, इसका सही उत्तर बताओ। बसंत इज सेइंग 3 पेयर ऑफ लेग्स। हाँ भाई बताओ जल्दी से। सी इज करेक्ट। देखो बच्चे, उनके लेग्स कैसे होते हैं पहले तो ये बताओ। बिल्कुल सही उत्तर है आपका वैसे, 3 पेयर्स ऑफ लेग होते हैं। ठीक है, उनमें पेयर ऑफ विंग होता है, ठीक है, एंटीना भी होता है, ठीक है, 4 पेयर ऑफ लेग तो हट गया, उसमें उनके लेग्स को जो है पूरा एक्सप्लेन नहीं किया। बिल्कुल जो करेक्ट, अगर आप लोग देखोगे बिल्कुल जो सिंपल उसका फीचर है वो क्या है कि मैम उनका शरीर जो है हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड होता है। द कॉमनेस्ट, बिल्कुल द बेसिक जो पॉइंट है, आंसर इज दिस। ठीक है, अब लेग्स उनके कैसे होते हैं ये बताओ मुझे, उनके लेग्स कैसे होते हैं? हाँ भाई जल्दी से हरी अप। हाँ भाई गुड मॉर्निंग चोमेश्वरी। हाँ भाई जॉइंटेड, जी डियर, अगर ये वर्ड आ जाता तो आप इस पे भी टिक कर सकते थे, लेकिन जो द कॉमनेस्ट फीचर है ये क्या है कि उनका शरीर 3 भागों में विभाजित होता है, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डो। ठीक है बच्चे, ये था उसका सिंपलेस्ट फीचर। बाकी मैंने पूरे इंसेक्ट पढ़ाए हुए हैं, कैसे वो ब्रीथ करते हैं, कैसे वो एक्सक्रीट करते हैं, श्वसन कैसे होता है, उत्सर्जन कैसे होता है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आप लोगों से। टैक्सोनॉमी इज द साइंस दैट डील्स विद, देखो भाई टैक्सोनॉमी विज्ञान की एक शाखा है जो संबंधित है मॉर्फोलॉजी से, एनाटॉमी से, क्लासिफिकेशन से, या उसके आर्थिक उपयोग यानी इकोनॉमिक यूज से। हाँ भाई, टेक्सोनोमी एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो किससे डील करती है, विच डील्स विद स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आप लोगों को पता होना चाहिए वर्गीकरण के अध्ययन को टेक्सोनोमी कहते हैं। स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज टेक्सोनोमी, इज नोन एज टेक्सोनोमी, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन। बिल्कुल जी डियर, बसंत इज करेक्ट, सुदेव इज रॉन्ग, आंसर इज क्लासिफिकेशन। ठीक है, जिस भी बच्चे ने आंसर दिया है सी, शिल्पा इज ऑल्सो करेक्ट, सही उत्तर है वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहते हैं, टेक्सोनोमी कहते हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है, क्लासिफिकेशन मतलब जीवों का वर्गीकरण, और वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहते हैं, टेक्सोनोमी। यानी क्लासिफिकेशन आप बायो की किस ब्रांच में पढ़ोगे, टेक्सोनोमी में पढ़ोगे। द बिगेस्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, इनमें से सबसे बड़ा एकल कोशिका वाला जीव कौन सा है? हाँ भाई बताओ कौन सा है। गुड मॉर्निंग एसके। हाँ भाई, ईस्ट है यानी खमीर है, एसिटाबुलेरिया है, एसिटोबैक्टर है, या अमीबा है? हाँ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, और किस कैटेगरी का, बिगेस्ट सिंगल सेल्ड यानी यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर एक कोशिकीय जीव, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? हाँ भाई बताओ। बी एसिटाबुलेरिया, शिल्पा इज सिंह, बसंत इज सिंह। हाँ भाई
बिल्कुल सही उत्तर ये है आंसर, जो क्या होती है, एक ग्रीन एल्गी होती है, एक हरी शैवाल होती है। कैसी शैवाल है ये? हरी शैवाल का ये नाम है और ये सबसे बड़ी है। ठीक है डियर, ईस्ट आप लोगों को पता है क्या होती है, फंजाई होती है, कवक होती है। एसिटोबैक्टर एक बैक्टीरिया है, एक जीवाणु है, एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करने वाला। और ये पहले ये अमीबा क्या है? अमीबा आप लोगों को पता ही, अमीबा किस जगत में आता है जल्दी से बताओ, अमीबा किस कैटेगरी में आता है? अरे आप अमीबा किस कैटेगरी में आता है जल्दी बताओ, क्या है वो अमीबा? इज व्हाट? मैंने इतनी सारी आप लोगों को किंगडम्स फाइलम्स पढ़ाए हैं। गुड मॉर्निंग सचिन। हाँ भाई, तो आप लोगों को इसका आंसर का तो पता लग गया कि एसिटाबुलेरिया क्या है, एक हरी शैवाल है जो सबसे बड़ी एक कोशिकीय जीव है। इट इज द लार्जेस्ट या बिगेस्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, मुझे बताओ अमीबा किस जाति में आता है, किस जगत में आता है? स्मॉलेस्ट नोन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है? प्रोकैरियोटिक किसे कहते हैं? हम प्रोकैरियोटिक उसे कहते हैं जिसका न्यूक्लियस डेवलप्ड नहीं था, न्यूक्लियस इज नॉट डेवलप्ड, यानी केंद्रक झिल्ली उसमें उपस्थित नहीं थी, है ना। केंद्रक जो है अविकसित हो, केंद्रक कैसा होता है? अनडेवलप्ड। क्या होता है? अनडेवलप्ड, अविकसित, अविकसित है। हाँ भाई, कौन सा इसमें से? माइक्रोसिस्ट, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, क्लोरेला। हाँ भाई, बच्चे आंसर कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग दिबाकर। बी, माइकोप्लाज्मा, बी। हाँ भाई बताओ। हाँ भाई देखो, माइक्रोसिस्ट क्या है? एक बैक्टीरिया। माइक्रोसिस्ट क्या है? एक बैक्टीरिया, जीवाणु है। माइकोप्लाज्मा भी क्या है? बैक्टीरिया है। और बैक्टीरिया ये लिखा ही हुआ है। क्लोरेला क्या है जल्दी से मुझे बताओ, क्लोरेला क्या है? एग्जाम्पल की हेल्प से आप लोगों को पता भी लग रहा है, देख रहे हो। किसी ने मुझे ये नहीं बताया अमीबा किस जगत में आता है। हाँ भाई, अमीबा, अमीबा किस में आता है बच्चे? क्लोरेला के साथ, प्रोटिस्टा। किस में आता है? प्रोटिस्टा में आता है। पहले ये शैवाल की कैटेगरी में आता था, अर्लियर ये क्या था? अर्लियर इट वॉज इंक्लूडेड इन एल्गी। ये क्या थी? एल्गी, शैवाल में आता था, लेकिन अब इसका क्लासिफिकेशन इसमें हुआ है, प्रोटिस्टा में। इसमें अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है, क्लाइमा डोमनास जैसे आप एल्गी में पढ़ते थे, बट नाउ इट इज कंसिडर्ड अ प्रोटिस्टा। ठीक है डियर। हाँ भाई, तो करेक्ट आंसर क्या है? माइकोप्लाज्मा। जी डियर, ये मैंने सेल चैप्टर में भी पढ़ाया था कि इसका जो सेल है सबसे छोटा है, इट इज द स्मॉलेस्ट सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ठीक है भाई, ये सबसे छोटा है, माइकोप्लाज्मा। अगला क्वेश्चन, द ऑयल सीड, इनमें से कौन सा तेल का बीज ऐसा है जो हम लोग नहीं खा सकते, विच इज नॉट एडिबल? सनफ्लावर ऑयल खाते हो, कॉटन सीड खाते हो, बिनोले जो है वो खाते हो आप, सीसम तिल का जो तेल है, सिसेमम, ग्राउंडनट मूंगफली का तेल, इनमें से कौन सा नहीं खाते हो? हाँ भाई, हरी अप, कौन सा ऑयल सीड, तेल के बीज खाद्य नहीं है? हाँ भाई, हरी अप, कॉटन सीड सबको पता होगा, जिनके घर में पशु पालन होता है ना, वो अपने पशुओं को डालते हैं वो कॉटन सीड जो है, हम लोग कॉटन सीड इज नॉट एडिबल, ठीक है, ये हम लोग नहीं खा सकते। जी, सभी का सही उत्तर कॉटन सीड। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, हु प्रपोज्ड बायोनोमियल नोमेनक्लेचर? बायोनोमिकल, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर मतलब द्विपदती, यानी दो नाम होते हैं। साइंटिफिक नेम देखे हैं, हमारा नाम क्या है? होमो सेपियन। क्या नाम है हमारा? मैन का साइंटिफिक नाम क्या है? सेपियन। मैंगो क्या क्या है? हाँ भाई, मैग्नीफेरा इंडिका, ऐसे लिखते हो ना आप लोग। तो ये दो, जो दो वर्ड्स में लिखा जाता है नाम, इसे क्या कहते हैं? बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, द्विपदती नामकरण। किसने दिया था? मैम, कार्ल लिनियस ने दिया था। किसने दिया था? लिनियस वैज्ञानिक। जी डियर, बसंत इज राइट, शिल्पा इज राइट, दिबाकर इज राइट।
सभी को याद रखना है, लिनियस को क्या कहते हैं, मॉडर्न क्लासिफिकेशन, आधुनिक वर्गीकरण के जनक, फादर ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ठीक है, जो आज हम लोग क्लासिफिकेशन फॉलो कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो किसने दिया था, कार्ल लिनियस ने दिया था, और उन्होंने ही ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर यानी नेमिंग सिस्टम, कैसे एक जीव को नाम देते हैं, ठीक है, वो बायनोमियल नोमेनक्लेचर, द्विपद्धति नामकरण किसने दिया था, कार्ल लिनियस ने दिया। द इंटरनेशनल कमीशन ऑन जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ये फुल फॉर्म पूछी जाती है, ICZN, तो फुल फॉर्म भी याद रखना, क्या फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल कमीशन ऑन जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। हाँ भाई, जूलॉजिकल नामकरण पर अंतरराष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी कब, कब इसकी स्थापना हुई थी, जल्दी से बताओ, 19, हाँ भाई बताओ, ICZN, क्लेचर का मतलब होता है नामकरण, नेम, इसका है नेम, यानी हम लोगों ने एनिमल्स को नाम कब दिया था, दे रहे 1988 में, करेक्ट आंसर इज डी, 1964 में हम लोगों ने किया था, 1964, ICZN, ये याद रखना है, ICZN की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको भी याद कर लेना, ठीक है डियर। ओके, हाँ भाई, करेक्ट आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन, कार्ल लिनियस, देखो उल्टा पूछ लिया, कार्ल लिनियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कैसा है, नेचुरल है, आर्टिफिशियल है, बायनोमियल है, फाइलोजेनेटिक है, किस तरह का कार्ल लिनियस ने क्लासिफिकेशन दिया था, नाउ ये पूछा गया है, उसी का उल्टा हो गया, उसमें क्या पूछा, बायनोमियल क्लासिफिकेशन किसने दिया, कार्ल लिनियस ने दिया, इसमें पूछ रहा है कार्ल लिनियस ने कैसा क्लासिफिकेशन दिया, सो सिंपल आंसर इज बायनोमियल, किसने दिया, बायनोमियल ने दिया, बायनोमियल दिया, ठीक है, किसने दिया, कार्ल लिनियस ने दिया, कैसा नोमेनक्लेचर, बायनोमियल, द्विपद्धति नामकरण, बिल्कुल सभी का सही उत्तर, आंसर इज सी। ठीक है, तो उल्टे सीधे करके देखो स्टेटमेंट बदल जाती है, कैक्टस हाइड्रोफाइट है, मीजोफाइट है, जीरोफाइट है, एपीफाइट है, हाँ भाई देखो हाइड्रो का मतलब जो पानी में, जल में रहते हैं, जल में ही ग्रो करेंगे, मीजो का मतलब जिन्हें मीडियम लेवल वाटर चाहिए, ना ज्यादा ना कम, मीडियम मध्य, बिल्कुल नॉर्मल पानी चाहिए, ठीक है, जीरोफाइट का मतलब जिन्हें बहुत ही कम लेवल चाहिए पानी का, बहुत ही कम पानी होने चाहिए, और एपीफाइट का मतलब जो प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं, पौधों के ऊपरी सतह पर ग्रो करते हैं, इसका विकास, एपीफाइट का विकास पौधों की ऊपरी सतह पर होता है, तो कैक्टस कैसा है, सो सिंपल दैट इज जीरोफाइट, क्या है वो, जीरोफाइट है, क्यों, क्योंकि वो राजस्थान में पाया जाता है और उसको बहुत ही कम मात्रा में पानी चाहिए, करेक्ट आंसर इज जीरोफाइट, जिसको नहीं भी पता तो ये तो आप लोग बचपन से रटते आते हो ना, कैक्टस तो शुरुआत 4th-5th क्लास में, करेक्ट आंसर इज सी, भी नहीं बच्चे, बी मेसोफाइट जिन्हें मीडियम वाटर चाहिए, तो बिल्कुल ना के बराबर पानी लेता है, स्पाइंस में कि जो पत्ती होती है वो किस में होती है, स्पाइंस में मॉडिफाइड होती है, क्या, व्हाट डज द वर्ड एम्फीबियन मीन, उभयचर शब्द से आप लोग क्या समझते हो, तीन जीवन, चार जीवन, दो जीवन, एक जीवन, हाँ भाई एम्फीबियन, उभयचर, उभयचर किसे कहते हैं, द ऑर्गेनिज्म विच कैन सर्वाइव ऑन लैंड एज वेल एज वॉटर, वह जीव जो स्थल एवं जल दोनों में रह सकते हैं उन्हें उभयचर कहते हैं, क्या कहते हैं, उभयचर कहते हैं, तो कितने जीवन उनकी लाइफ होती है, टू लाइफ, कितना, किस टाइप की लाइफ होती है, वॉटर लाइफ एंड लैंड लाइफ, तीन जीवन, गुड्डू इज सेइंग तीन जीवन, बच्चे वो लैंड वाटर पे रहते हैं, उनकी टू लाइफ होती है, कितनी लाइफ, दो जीवन, उनके दो तरह के जीवन होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज एब्सेंट इन वायरस, देखो ध्यान से सुनो, एब्सेंट पूछा है, निम्नलिखित में से कौन से विशेषता वायरस में अनुपस्थित है, हाँ भाई
वायरस में अनुपस्थित है, उपस्थित नहीं, अनुपस्थित। तो ध्यान से पढ़ो, क्या वो रिप्रोड्यूस करता है होस्ट कोशिका में? बिल्कुल मैम, वो ना होस्ट में यानी मेरे शरीर में घुस गया है तो मेरे शरीर के अंदर अपनी कॉपीज बना लेगा, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, है ना डिया? अब मैम क्या उसमें कोशाभिति, क्या उसमें कोशिका भिति होती है? क्या आप लोग सोचो कोशिका भिति होती है या नहीं? ठीक है, नहीं मैम, हमने तो आज तक नहीं पढ़ा है ना, कोशिका भिति तो नहीं होती। क्या होती है उसके अंदर? एक खास बात, उसके अंदर क्या पाया जाता है? कैप्सिड की, प्रोटीन की कवरिंग, चारों तरफ क्या होता है? प्रोटीन का कवच होता है। किसके बाहर? प्रोटीन का कवच पाया जाता है वायरस के बाहर। वायरस के चारों ओर क्या होता है? एक कैप्सिड, प्रोटीन का कवक, प्रोटीन का आवरण, ठीक है, या कवच उपस्थित होता है। कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं होती है। और मैम क्या वो प्रकृति में पूरी तरह से परजीवी है? जी हाँ, वो पूरी तरह से परजीवी है। बसंत जी बिल्कुल सही बात, कोशिका सिद्धांत का अपवाद भी है, इट इज एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी। दूसरी बात, प्रेजेंस ऑफ ईदर डीएनए और आरएनए, बच्चे या तो उसके शरीर में डीएनए पाया जाएगा या उसके शरीर में आरएनए पाया जाएगा, दोनों नहीं पाए जाएंगे। हो कुछ भी सकता है, डीएनए या आरएनए, लेकिन दोनों कभी भी नहीं होंगे। गुड मॉर्निंग रजनीश, ठीक है डियर। तो यहाँ क्या अनुपस्थित होता है? कोशा भिति या कोशिका भिति, कोशिका भिति इसमें उपस्थित नहीं होती है। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगली बात, विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल ले एग्स, इनमें से कौन सा ऐसा स्तनधारी है जो अंडे देता है? हाँ भाई, बैट, वेल, विजल, प्लेटिपस, बताइए जरा इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो क्या देता है? जो अंडे देता है। हाँ भाई बताओ, मैमल दे दैट ले एग्स। हाँ भाई 23 का आंसर बताओ, प्लेटिपस, बिल्कुल डियर। ऐसे दो ही हैं, काइडना, ये दो जीव याद रखना, केवल दो ऐसे स्तनधारी हैं, ऐसे मैमल हैं जो अंडे देते हैं। इनका नाम हिंदी में भी सेम है, ठीक है, तो जो ऑप्शन में मिल जाए उसको टिक कराना। प्लेटिपस और एकाइडना जो है वो क्या देते हैं? दे ले एग्स, दे दे एग्स। ये केवल दो एकमात्र ऐसे स्तनधारी हैं, अदरवाइज मैमल्स क्या करते हैं? अपने बच्चों को, यंग वंस को जन्म देते हैं। एकाइडना ये ऐसा जीव है, ये ऐसा मैमल है, मैमल स्तनधारी है। अगला, ईस्ट इज अ खमीर क्या है? बैक्टीरिया है, फंजाई है, एल्गी है, ब्रायोफाइटा है। हाँ भाई ये सब मेरा पढ़ाया हुआ है। हाँ भाई, ईस्ट क्या होती है जल्दी बताओ? ईस्ट बैक्टीरिया में आता है, फंजाई में आता है यानी कवक, या शैवाल में आता है, या ब्रायोफाइटा में आता है? 24 का आंसर क्या है? हाँ भाई हरी अप, ईस्ट, ईस्ट खमीर जो आप लोग उपयोग करते हो, सभी का सही आंसर इज बी, फंजाई। अगला क्वेश्चन, लाइकन, ये भी मैंने पढ़ाया था। लाइकन इज एन एसोसिएशन बिटवीन विच ऑफ टू, लाइकन कब बनती है? लाइकन दोनों में से किसके बीच का संबंध है? एल्गी जमा फंगस, एल्गी जमा ट्री, फंगस जमा ट्री, या बैक्टीरिया इन लेग्यूमिनस प्लांट, किसके बीच लाइकन कब बनती है? हरिया, लाइकन किसे कहते हैं हम लोग? जब कौन से दो जीव एक साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं, कौन से? हाँ भाई, ए, शिल्पाई सिंह, ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। एल्गी एंड फंगस जब दोनों एक साथ रहते हैं, एल्गी खाना देता है, फंगस इसको प्रोटेक्शन देता है, और ऐसे रिलेशन को क्या कहते हैं? सिम्बायोसिस कहते हैं, कि वो अपना जीवन एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाते, एक दूसरे का साथ देते हैं, और क्या कहलाता है वो? लाइकन, बहुत बार पूछा गया। मैग्नीफेरा इंडिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, आज मैं आप लोगों को 10 से 15 नाम प्रोवाइड करूंगी जो आप लोगों को याद करने हैं, जो पूछे गए हैं वो आज मैं डिस्कस कर लूंगी, बाकी आप लोग वो भी याद कर लें। मैग्नीफेरा इंडिका किसका नाम है?
मैंगो ना, फलों के राजा दैट इज मैंगो। तो मैंगो का नाम क्या है, उसका साइंटिफिक नाम क्या है? आंसर इज मैग्नीफेरा इंडिका। क्या है? आम का वैज्ञानिक नाम। बिल्कुल सभी का सही उत्तर 26 का बी। क्रैब बिलोंग टू द फाइलम। क्रैब केकड़े किस में आते हैं? मोलस्का, मिडेरिया, आर्थ्रोपोड, प्लेटीहेलमिंथस। जल्दी से बताओ। क्रैब मैंने बहुत सिंपल बताया था। हाँ भाई, कौन सा जगत है ये, जल्दी से बताओ, कौन से जगत में? डियर रजनी, हाँ भाई, क्रैब जो है वो कौन सी कैटेगरी में आता है, जिसमें आपका स्पाइडर, स्कॉर्पियन, क्रैब्स ये सब आते हैं? सी, बिल्कुल सही उत्तर। सबसे बड़ा फाइलम है ये, लार्जेस्ट फाइलम है, सबसे बड़ा फाइलम है। इसमें आपका क्या आता है, केकड़े भी आते हैं, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं वो सब इसी में आते। अगला, पेंथेरा पार्डस इज साइंटिफिक नेम ऑफ। पेंथेरा पार्डस किसका वैज्ञानिक नाम, जल्दी से बताओ। पेंथेरा पार्डस किसका नाम है, लेपर्ड का, टाइगर का, लायन का? हाँ भाई, नहीं पता है तो याद रखना किसका है, तेंदुए का वैज्ञानिक नाम। तेंदुए का वैज्ञानिक नाम क्या है, पेंथेरा पार्डस, जो किस फैमिली के होते हैं, कैट फैमिली के। कौन सी फैमिली के होते हैं, इनकी फैमिली, इनका जो परिवार होता है वो कौन सा परिवार होता है, कैट फैमिली से ये बिलोंग करते हैं। करेक्ट आंसर इज ए। Which among the following has segmented body? ये भी मैंने पहचान करनी बताई थी कि निम्नलिखित में से किसका शरीर खंडों में विभाजित होता है। मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था, ऐसे खंडों में विभाजित होता है। तो डायरेक्ट रट लेना, एनालिडा। एनालिडा की बॉडी कैसी होती है, एनालिडा का शरीर जो है भागों में खंडित पाया जाता है। तो इनके फीचर्स मैंने जब पढ़ा रही थी तो मैं बार बार एम्फेसाइज कर रही थी कि हर एक फाइलम के आपको विशेषताएं, करेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए और उनके एग्जाम्पल। बस हाँ जी डियर बसंत, आंसर है एनालिडा। एनालिडा का शरीर कैसा होता है? जी रजनीश, शिल्पा, यू बोथ आर करेक्ट। हाँ भाई, मैम एनालिडा जगत जो है वो होता। टीनिया फाशियोला, ये भी मैंने पढ़ाते वक्त यूज एग्जाम। टीनिया एंड फाशियोला आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच फाइलम? टीनिया या फाशियोला लीवर फ्लू किस संघ के उदाहरण है? सिलेंटेरेटा, प्लेटीहेलमिंथस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा? पीडिया, हाँ भाई, टीनिया फाशियोला, इनका शरीर पता है कैसे होता है, चपटे होते हैं, फ्लैट होते हैं। और जो फ्लैट वॉर्म्स चपटे क्रमी होते हैं वो सब किसमें? प्लेटी हेलमेंट। हाँ भाई, प्लेटी याद रखना क्या है, चपटे क्रमी प्लेटी हेलमेंटिस हैं। प्लेटी यानी फ्लैट। करेक्ट आंसर इज बी। टीनिया सोलियम है ना, ऐसे गोल ऐसे होता है, वैसे वो चपटा होता है लेकिन ऐसे लिपट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है साइकन स्पॉन्जिला। स्पॉन्ज, जहां भी वर्ड देख लो आप, स्पॉन्ज क्या आएगा, वो आएगा पॉरीफेरा में। मैम स्पॉन्ज में क्या होते हैं, छोटे छोटे साइकन में छिद्र होते हैं। तो जहां भी छिद्र होंगे वो कौन सी फाइलम में आएगा, आंसर इज पॉरीफेरा। ठीक है डियर। शुभम पवार, कल मेरा उत्तर प्रदेश दरोगा का पेपर था, आपके पढ़ाए में से साइंस के सारे क्वेश्चंस आए। थैंक्स यू, ग्रेट ईयर, बहुत अच्छा लगा। जो भी बच्चे एग्जाम देकर आता है प्लीज़ आप लोग अपना रिस्पांस बताया करो, एनालिसिस बताया करो। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही अपने नोट्स बनाते रहो, क्वेश्चंस लगाते रहो, इससे बाहर साइंस नहीं आएगी। ठीक है, और जिसको साइंस स्पेशल लेना है बच्चे, अभी मोबी शिक्षा पर 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक आप लोगों का सेल लगने वाली है। मोबी शिक्षा आप लोगों को बिल्कुल बहुत ही लीस्ट तो है, आप लोगों को प्राइस में सारे बैचेस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों को जिस सेल में, मोबी शिक्षा सेल में, आप लोगों की फेस्टिव सीजन है मोबी शिक्षा का, इसमें आप लोगों को अराउंड 50% हर बैच पर आप लोगों को ऑफ मिल रहा है। ठीक है डियर, मैम आप स्माइल करते हुए बहुत अच्छी लगती हैं। ओ थैंक्स अ लॉट, तभी मैं हमेशा स्माइल करती रहती हूँ, है ना।
चलो भाई ठीक है, तो जिस भी बच्चे को साइंस स्पेशल, मुझसे साइंस स्पेशल पढ़ना है, जीएस स्पेशल पढ़ना है, जीएस में भी जिसको सारी चीज तैयार करनी है वो जीएस स्पेशल ले लो, जिसको जस्ट साइंस पढ़नी है तो वो साइंस स्पेशल। बहुत ही नॉमिनल फीस है बच्चे, तो सभी एक बार जरूर देखिएगा, लेना है ना लेना है वो बाद में सोच कर देखना। केंद्रक के क्वेश्चन भी था आपसे, समझा था, ओके ओके शुभम। तो प्लीज मुझे बताइएगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को दिया हुआ है मैंने, सो दैट मैं उसका एनालिसिस भी कर लूँ क्लास में, बच्चों को औरों को भी बता दूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो यू ऑल आर हैविंग माई व्हाट्सएप नंबर, प्लीज उस पर आप लोग अपना पिंग करना मैसेज कि मैं सबको बता पाऊँ। नेक्स्ट, लाइकन इज एसोसिएशन, देखो वही ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, आई थिंक 6-7 क्वेश्चन। हाँ भाई, डैश बीइंग अ हायर कैटेगरी इज द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज व्हिच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स। डैश एक उच्च श्रेणी होने के कारण परिवारों का समूह है जो कुछ समान लक्षणों को प्रदर्शित करता है। आपके पास नहीं, ओके इस पर मुझे जो भी बच्चे एग्जाम देकर आए प्लीज बच्चे अपने क्वेश्चंस बताइएगा, जितना आप लोगों को याद हो फिर मैं सबको एनालिसिस करा दूं, सबको हेल्प कर पाऊं, ठीक है डियर। 9-8 एक नंबर, जब भी कॉल करो तो शाम को ही करना, ठीक है डियर, शाम से पहले मत करना, और मैसेज आप व्हाट्सएप आप किसी भी टाइम कर सकते हो, ठीक है। हाँ भाई बताओ, सबसे बड़ी कैटेगरी कौन सी, जल्दी से मुझे बताओ सबसे बड़ा क्या होता है। हाँ भाई देखो, एक चार्ट बना लो, ही देती हूँ हम किंग के बाद, जैसे किंगडम हमारा एनिमल, जैसे प्लांट है, फिर मैम आता है फाइलम, क्या आता है फाइलम, फिर मैम क्या आता है फाइलम, फिर क्या आती है क्लास, क्या आता है ऑर्डर, क्या आता है ऑर्डर, इसमें से देखो मैम ऑर्डर भी है, क्लास भी है, स्पीशीज भी है, जीनस भी है, तो इनमें से क्या बड़ा है, मैंने ये तो बता दिया किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर, इसके बाद आएगी फैमिली, इसके बाद आएगा जीनस, इसके बाद आएगी फैमिली, देन आएगा। हाँ भाई अब बताओ कौन सा बड़ा है, ये इसके नीचे आएंगे भाई, कैसे 1-4, ये हायर टू लोअर जा रहा है, ये हायर टू लोअर जा रहा है, सबसे लोअर स्पीशीज हाईएस्ट किंगडम की होती है, इसमें किंगडम तो ऑप्शन में दिया ही नहीं हो। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, डैश बीइंग अ हायर कैटेगरी, हायर कैटेगरी है, इज द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज, वो फैमिलीज की असेंबलेज है, फैमिलीज की असेंबलेज है, कौन है, देखो क्लास इससे बड़ी है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा कि उसमें परिवारों का समूह है, तो परिवारों के समूह कौन सा है, ऑर्डर है, कौन सा है ऑर्डर, ये आदेश गलत लिखा, हाँ ऑर्डर, आदेश वाला ऑर्डर नहीं, ऑर्डर देना नहीं, ऑर्डर एक कैटेगरी है, ओके। चोमेश्वरी सिंह मैम मेरे एग्जाम में भी आए थे आपके पढ़ाए हुए क्वेश्चन, ओके, तो प्लीज आप लोग सभी मुझे क्वेश्चन शेयर करिएगा। जी शुभम बताओ नाम किसका बताऊँ, किसका नाम बताऊं बच्चे। हाँ भाई करेक्ट आंसर इज ए, ठीक है करेक्ट आंसर इज ए, क्यों, क्योंकि उसने क्या पूछा है, उसने ये नहीं पूछी सबसे हाईएस्ट रैंक कौन सी है, उसने पूछा है वो हाईएस्ट रैंक जिसमें फैमिली के ग्रुप आते हैं, परिवारों का समूह आता है, ठीक है भाई। वैसे सबसे बड़ा किंगडम, दूसरे नंबर पे फाइलम, फिर उसकी क्लास, फिर उसका ऑर्डर, फिर उसकी फैमिली, फिर उसकी जीनस, फिर उसकी स्पीशीज, जैसे हम लोग बोलते हैं होमो सेपियंस, होमो सेपियंस ये क्या रिप्रेजेंट करता है, हाँ भाई, और हमारा किंगडम कौन सा है, एनिमलिया है या नहीं है, हम कौन से फाइलम में आते हैं, जल्दी से बताओ कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा, मैम कॉर्डेटा में आते हैं, हम कौन सी क्लास में आते हैं, हाँ भाई कौन सी क्लास में आते हैं, ओके चोमेश्वरी ग्रेट डियर। हाँ भाई मैमल में आते हैं, सिलेंटेरेटा में आते हैं, किस में आते हैं, मैमल में आते हैं,
ठीक है, तो इस तरह से ये वर्ड रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं भी रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ऑर्डर जरूर याद कर लो, ठीक है भाई। देन आगे बढ़ते हैं, एडाम्सिया यानी सी एनिमो, पेंटुला यानी सी पेन आर एग्जाम्पल ऑफ विच फाइलम। एडाम्सिया पेनाटुला किस फाइलम के उदाहरण हैं? सीलेंटेरेटा में आते हैं, एस्केलमेंथस में आते हैं, एनालिडा में आते हैं या आर्थ्रोपोडा में आते हैं? हाँ भाई, किस कैटेगरी में ये आते हैं? याद रखना सीलेंटेरेटा। तो आप लोगों को आज क्या करना है, जो मैंने आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करी थी उनमें मान लो आप लोग पढ़ रहे हो मोलस्का, तो मोलस्का के फीचर्स देखने, एग्जाम्पल देखना। आर्थ्रोपोडा में जैसे इंसेक्ट के बारे में पूरा देखना है कि इंसेक्ट दिखता कैसा है, कैसे उसके पैर हैं, कैसे उतने कितने लेग्स हैं, कितने एंटीना हैं, कितने विंग्स हैं, ठीक है, कैसा उसका ब्लड, मतलब ये सारी चीज़ें जो मैंने आप लोगों को उसमें प्रोवाइड की हुई हैं वो देखना। और जितने मैंने क्वेश्चंस में एग्जाम्पल दिए हैं ना आज आप लोगों को, वो सब उसमें ऐड कर लेना, अगर कुछ छूटा हो तो। वैसे कुछ छूटा नहीं है, उसमें सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन फिर भी अगर एक दो कुछ मिले तो अपने नोट्स में ऐड कर लेना, क्योंकि ये पूछे गए हैं। याद रखना ये किस में आते हैं, सीलेंटेरेटा। इनके अंदर क्या होती है, इनके अंदर सिलोम एक कैविटी होती है, सीलेंटेरोन। स्पीशीज रिस्ट्रिक्टेड टू अ गिवन एरिया, किसी दिए गए क्षेत्र तक सीमित एक प्रजाति क्या कहलाती है, जो केवल एक गिवन एरिया में पाई जाए। एंडेंजर्ड, जो खत्म होने के डेंजर में है। वल्नरेबल, जिसको ICZN ने बोल दिया है कि अगर इसको कंजर्व नहीं किया ना तो ये खत्म होने वाली है। एंडेमिक कौन सी स्पीशीज है, मैम जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है। एक्सटिंक्ट, जो बिल्कुल लुप्त तो हो चुकी है। तो करेक्ट आंसर इज एंडेमिक स्पीशीज। क्या एंडेंजर, जो डेंजर में है। वल्नरेबल, की बचाव नहीं किया तो ये एक्सटिंक्ट हो जाएगी। एंडेमिक, कि वो किसी एक स्थान पर, एक पर्टिकुलर प्लेस पर पाई जाती है। एक्सटिंक्ट, जो खत्म हो। अगला, ऑन व्हाट बेसिस ग्रीक थिंकर एरिस्टोटल, अरस्तु ने क्लासिफाइड एनिमल फॉर फर्स्ट टाइम, सबसे पहले उन्होंने क्या देखा था, क्या देखते हुए उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था? उन्होंने हैबिटेट देखा था, उन्होंने साइज देखा था, उन्होंने लोकोमोशन देखा था या फूड देखा था? हाँ भाई, क्या देखते हुए उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था, जल्दी से बताओ भाई, क्या देखते हुए उन्होंने क्लासिफिकेशन क्या था? हरी अप। हाँ भाई, हाँ मैम, सबके साइंटिफिक नेम लिख देना प्लीज। हाँ बिल्कुल डियर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना तो मैं आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है डियर। ए 42 का ए, हैबिटेट देखते हुए बताना बच्चे पर। शिल्पा, रजनी, ऑल आर सेइंग ए। विकास इज सेइंग हैबिटेट देखते हुए, हैबिटेट देखते हुए क्लासिफिकेशन किया तो उन्होंने कितनी कैटेगरी बनाई? हाँ भाई बताओ, मैंने आप लोगों को ये पॉइंट भी लिखवाया था। हाँ भाई, थर्ड आइडिया करेक्ट आंसर तो हैबिटेट। याद रखना है कि जो उनका आवास था उनका हैबिटेट उन्होंने देखा था और इसी के बेसिस पर उन्होंने क्लासिफिकेशन कर दिया था। कई बार ऑप्शन में हैबिटेट नहीं दिया होता, आरबीसी की उपस्थिति है या नहीं इन्होंने इसके आधार पर भी क्लासिफिकेशन किया था, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हैबिटेट है, दूसरी प्रायोरिटी आरबीसी लाल रक्त कोशिकाओं की उपस्थिति है। लेकिन आप लोगों को हैबिटेट आंसर में, अगर ऑप्शन में ना मिले तब आप लोग आरबीसी मिल जाए तो आरबीसी टिक कर देना। हाँ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप आर कॉल्ड फेनेरोगैम्स, निम्नलिखित में से कौन सा समूह फेनेरोगैम्स कहलाता है? फेनेरोगैम्स का मतलब फ्लावरिंग प्लांट, यानी फ्लावरिंग के फूल आते हैं। हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ओनली फर्स्ट, ओनली सेकेंड, ऑल ए, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, नो ऑप्शन इज करेक्ट, जल्दी से बताओ भाई, फ्लावरिंग प्लांट इनमें से कौन से? हाँ भाई जल्दी से बताओ,
जल्दी से बताओ। अरे अब डी, नो ऑप्शन इज करेक्ट। बिल्कुल सही उत्तर, नो ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि कौन से हैं, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नो एंड एंजियोस्पर्म इसका सही उत्तर है, बाकी ये सभी गलत हैं। ठीक है डियर। थैलोफाइटा जिसका शरीर ही नहीं होता, ब्रायोफाइटा जो इससे तो थोड़ा मॉडिफाइड होता है, और ये एम्फीबियन है, प्लांट किंगडम का उभयचर। ठीक है डियर। और एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म जो मैंने पढ़ाए थे, जिसमें एक में हम लोगों को हमने पढ़ा था बीज जो है चारों तरफ ढका हुआ होता है, एक का बीज जो है अनकवर्ड होता है, तो करेक्ट आंसर इज कैप्रा हिरकस। इज साइंटिफिक नेम ऑफ कैप्रा हिरकस डैश का वैज्ञानिक नाम है। किसका वैज्ञानिक नाम है ये रट लो अभी तो, गोट का। मैं आज आप लोगों को एक लिस्ट प्रोवाइड करूंगी, एक लिस्ट प्रोवाइड करूंगी, वो लिस्ट सभी देख लीजिए। ठीक है डियर। ओके, साइंटिफिक नेम्स की, तो गोट का क्या नाम है, वैज्ञानिक नाम कैप्रा हिरकस। द फाइव किंगडम कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म वाज गिवन बाय, निम्नलिखित में से किसने पांच जगत वर्गीकरण दिया था। पांच जगत वर्गीकरण, मैंने बार बार बोला था ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, हरे आप, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, रजनीश डी, रॉबर्ट विटाकर। जी डियर, आर एच विटेकर ने दिया था। डियर, आर एच विटेकर के द्वारा पांच जगत प्रणाली दी गई थी। पांच में कौन थे, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमल। ये पांच प्रणाली, पांच जगत अलग अलग फाइलम दिए थे, जिनके मैंने सारे करेक्टर्स आप लोगों को पढ़ाए थे। तो यहाँ हुआ क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस खत्म। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप लोगों से क्लासिफिकेशन में। ठीक है डियर। तो क्लास को खूब हिट करो, शेयर करो बच्चे, जितने भी आप लोगों के नियर डियर वंस हैं, जिन लोगों को साइंस पढ़नी है वो अपना बैच ले सकता है। और अभी मोबी शिक्षा परिवार पर बहुत ही अच्छे सेल्स ऑफर जो चल रहे हैं, 1 तारीख से 5 तारीख तक वो जो है फेस्टिवल सीजन रहेगा, जिसमें अराउंड 50% ऑफ रहने वाला है सभी बैचेस में, एंटायर। ठीक है डियर। और डेली आप लोगों का यहाँ इस वीक में ये खत्म हो जाएगा। नेम मैम रजनीश का नाम बताओ। ठीक है, बताओ भाई। अगर स्टिल कोई डाउट है बच्चे, तो यू कैन मैसेज मी, कॉल करोगे कभी भी कोई प्रॉब्लम है तो शाम को करोगे, अराउंड 6 o'clock के बाद। ठीक है, तब तक मैं रियली बिजी इन माई क्लासेस। हाँ ठीक है, ओके। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। स्टिल कोई डाउट हो तो यू मे आस्क इन नेक्स्ट क्लास। बाकी क्लासिफिकेशन का थ्योरी एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, एंड देन ये क्वेश्चंस कीजिएगा। मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आई एम ग्रेट, यू ऑल आर वेलकम डियर हेयर। ठीक है, तो प्लीज़ जस्ट यू हैव टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। कल मिलते हैं एट द सेम टाइम, 11 o'clock। कल मैं एक और क्वेश्चन राउंड लेकर आऊँगी, जिसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे। ठीक है डियर, बाय एवरीवन।